केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों बौखलाई रहती हैं, कुछ वो झल्लाई भी रहती हैं। आखिर मैं उनके लिए ऐसा क्यों कह रही हूँ? दरअसल आज तक के एक पत्रकार द्वारा स्मृति ईरानी से टमाटर के बढ़ते हुए दामों पर सवाल किया गया था। स्मृति ईरानी को इस सवाल से बहुत गुस्सा आ गया। चलिए मैं आपको पूरा मुद्दा समझाती हूँ। आज तक के एक कार्यक्रम में स्मृति ईरानी आमंत्रित थी। सुधीर चौधरी नामक पत्रकार जो तिहाड़ जेल रिटर्न है, उन्होंने टमाटर पर सवाल पूछा। बल्कि उन्होंने सवाल भी नहीं पूछा, उन्होंने बस ये पूछा कि क्या आपके घर में इन टमाटर के बढ़े हुए दामों पर कोई बात होती है। बस फिर क्या था, तिहाड़ जेल रिटर्न पत्रकार को स्मृति ईरानी ने इतना धोया कि बस स्मृति ईरानी ने इस पत्रकार को इसकी तिहाड़ जेल की यात्रा याद दिला दी। उन्होंने पत्रकार से कहा, आपके साथ क्या हुआ था जब आप जेल गए थे? इस वीडियो को पूरा देखिए। टमाटर 250-300 रुपए हुआ, तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? शायद ट्रिवलाइज करना चाहें और नहीं है। फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ, सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? द इशू इज, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलती हूँ। दरअसल इस पत्रकार का नाम सुधीर चौधरी है और कुछ साल पहले इस आदमी को कथित तौर पर वसूली करते हुए स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पकड़ा गया था। कुछ दिन इन्होंने तिहाड़ जेल में भी बिताए हैं, इसलिए तब से ही इस आदमी को तिहाड़ी पत्रकार के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ये पत्रकार रोज प्राइम टाइम पर झूठ की बरसात करता है, विपक्ष को जमकर गाली देता है, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करता है। इस पत्रकार के मुताबिक स्वतंत्रता सेनानियों का भारत आजाद कराने में कोई योगदान नहीं है, अंग्रेजों ने आजादी हमें भीख में दी है, ये बात तक इस पत्रकार ने अपने शो में कहा है। पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना, लेकिन ये आदमी जिस तरह का पत्रकार है, जिसकी बातों पर रोज नए नए मीम बनते हैं, उसके सवालों का जवाब स्मृति ईरानी क्यों देंगे? खैर, इस पत्रकार को मंत्री महोदय से गंभीर मुद्दों पर सवाल करने चाहिए। मणिपुर पर सवाल करना चाहिए, महिला खिलाड़ियों पर बृजभूषण पर सवाल करना चाहिए, महिला सुरक्षा पर बात करनी चाहिए, महंगाई के बारे में पूछना चाहिए। लेकिन इस तरह के जो पत्रकार हैं, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर खुद को बीजेपी मंत्रियों से जलील करवाने का सोच रखा है, वो बार बार जलील होने के लिए भी तैयार रहे। अपना जमीर बेचकर इस तरह के पत्रकारों ने अपनी असली ताकत खो दी है। ये जो पूरी घटना आपने सुनी, इस पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें। जुड़े रहें चेतना मंच के साथ।